नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। आज जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं में तेजी से फैल रहे सर्वाइकल कैंसर से बचाव और उपचार तथा उसके लक्षणों के बारे में महिलाओं को जानकारी दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गरिमा सिंह ने इस संबंध में मीडिया से बातचीत में बताया कि सबका स्वास्थ्य सर्वप्रथम और सर्वोपरि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी तथा तहसीलदार जालौन बलराम गुप्ता सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में एक जागरूकता शिविर लगाया गया, किस बात के लिए शिविर लगाया गया और क्या है पूरा मामला, बताएं जरा। ये सरकार की तरफ से महिलाओं को और आम जनता को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और उसके लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक शिविर लगाया गया। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या इसके प्राथमिक लक्षण होते हैं और किस तरीके से महिलाओं को इससे बचाया जा सकता है? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के मुंह के ऑपरेशन कैंसर को कहते हैं। इसके कारण ये हो सकते हैं कि महावारी के समय पे जो इन्फेक्शन लग जाते हैं साफ सफाई ना रखने की वजह से, या कई बार क्या होता है कि महिलाओं के जो उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन लगने के कारण होते हैं। जैसे सबसे कारण जो उसमें ज़्यादा प्रमुख कारण होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होना। तो उससे बचाव के लिए हमको यही है कि गवर्नमेंट ने अभी सप्लाई में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के वैक्सीन अभी नया शुरुआत किया है। तो वो जो 12 से 13 साल की लड़कियां हैं और जो यंग लड़कियां हैं उनको और उनके साथ साथ लड़कों को भी ये वैक्सीन लगाई जाती है, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव के साथ साथ जो जेनाइटल वॉर्ट होते हैं उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। लक्षण ये हो सकते हैं कि महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाओं को, कि एक बार जब मासिक समाप्त होने के बाद उनको अचानक से ब्लीडिंग होने लगे या उनको मुंह पे गंदा डिस्चार्ज होता रहे या फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता रहे नीचे पेट में, तो उनको तुरंत दिखाना होता है। ये सारे लक्षण हो सकते हैं उसमें।